मुंबई के युवकों के लिए गर्व का विषय है कि ओजस्वी तेजस्वी देश के नेतृत्व आदरणीय भारतीय जनता युवा मोर्चा और सांसद आदरणीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी आज मुंबई के प्रवास में है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करते हुए वर्ली विधानसभा में युवा वॉरियर्स 18 से 25 साल के युवकों की शाखा खोलते हुए सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति बाप्पा के दर्शन करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर जी को अभिवादन करते हुए वीर सावरकर जी को अभिवादन करते हुए आज मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करने के लिए वीर सावरकर स्मारक में वीर सावरकर ऑडिटोरियम में आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सम्मान्य अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि कृपया बैठे मीडिया प्रेस इलेक्ट्रॉनिक सबको संबोधित करें। आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी इस प्रेस वार्ता में पधारे। पार्टी के यशस्वी और युवा नवनियुक्त महासचिव भाई विक्रांत पाटिल जी, मुंबई महानगर के यशस्वी युवा मोर्चा के यहाँ के अध्यक्ष तजिंदर तिवाना जी, नवनियुक्त महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष राहुल नावनेकर जी, राहुल लोणेकर जी, युवा मोर्चा के महाराष्ट्र और मुंबई के प्रभारी गौरव गौतम जी, इस प्रेस वार्ता में पधारे दीदी श्वेता जी और प्रवीण भानुशाली जी, उदय जी और इस प्रेस वार्ता में पधारे सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज मुंबई महानगर का प्रवास में हूँ। सुबह से मुंबई शहर के हजारों युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का, उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे तजिंदर जी ने दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अत्यंत उत्सुकता से युवा लोग आ रहे हैं और विशेष रूप में मुंबई शहर में हजारों संख्या में हर दिन नए नए युवा लोग युवा मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। आज भी वोरली विधानसभा में 196 वार्ड में युवा वॉरियर्स का एक नया शाखा का उद्घाटन आज हुआ है। युवा वॉरियर्स प्रदेश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से हजारों संख्या में आम युवा देश निर्माण काम में और पार्टी निर्माण काम में जिम्मेदारी के साथ वो आगे आ रहे हैं। पॉलिटिक्स इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इज स्ट्रेंथन्ड ओनली व्हेन यंग पीपल कमिंग फ्रॉम द मोस्ट मॉडेस्ट ऑफ बैकग्राउंड्स कम फॉरवर्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव एट द ग्रास रूट्स लेवल। The concept behind Yuva Warriors is to encourage such young leadership at the grassroots levels. आज तजिंदर जी ने मुझे बताया कि सिर्फ मुंबई शहर में 500 से अधिक शाखा युवा वॉरियर्स का ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड एवरी डे वी आर एडिंग अ न्यू चैप्टर। सो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले दिन में युवा वॉरियर्स एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन जाएगा पूरे प्रदेश में और युवा वॉरियर्स प्लेटफॉर्म के कारण से
ग्रासरूट लेवल पॉलिटिक्स में लाखों संख्या में आम युवा जिनका पॉलिटिक्स में कुछ भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, जिसके पास बड़े बड़े सरनेम नहीं हो, पर जिसके मन में देश के लिए काम करने के लिए एक समर्पित भाव हो, ऐसे लाखों युवाओं को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भारत को और समाज को सेवा करने के लिए एक एक प्लेटफॉर्म युवा वॉरियर्स के रूप में मिला है एंड दी यंग आर कमिंग फॉरवर्ड इन वेरी बिग नंबर्स एंड आर जॉइनिंग द युवा वॉरियर्स प्लेटफॉर्म। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में वो बीएमसी चुनाव हो, प्रदेश के चुनाव हो या पार्लियामेंट चुनाव हो, हर चुनाव में युवा वॉरियर्स और युवा मोर्चा प्रभावशाली रूप से काम करेगा और पार्टी को सफलता प्राप्त करने में युवा वॉरियर्स और युवा मोर्चा एक बहुत बड़ा योगदान देगा। आई कंग्रेचुलेट तजिंदर जी, आई कंग्रेचुलेट राहुल जी एंड वेरी इम्पॉर्टेंटली विक्रांत जी, जिसके ब्रेन चाइल्ड कहा जा सकता है दिस युवा वॉरियर्स, फॉर इनिशिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र। आई कंग्रेचुलेट ऑल द थ्री ऑफ देम ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट ओकेशन। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम कवर करने के लिए आप आए हैं। आने वाले जो 25 साल हैं वो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 25 साल को अमृत काल के रूप में उन्होंने एक नाम दिए हैं और इस अमृत काल में युवाओं का जो योगदान होगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होगा। युवा के ताकत पर, युवाओं के टैलेंट पर, युवाओं के काम के आधार पर भारत जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में उभरेगा और पूरे विश्व को नेतृत्व करने के लिए भारत ताकतवर होगा। और इस 25 साल में महाराष्ट्र का और विशेष रूप में मुंबई का एक बहुत बड़ा रोल होगा। मुंबई विल नॉट ओनली एमर्ज एज इंडियाज प्री एमिनेंट फाइनेंशियल कैपिटल विच इट ऑलरेडी इज टुडे, बट इट विल ऑल्सो एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल नर्व सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। एंड द यंग ऑफ मुंबई, द यूथ ऑफ मुंबई, known for their hard work, their talent, their spirit of enterprise and innovation, will play a very, very vital role in creating the new Mumbai for new India. And Yuva Morcha will play a very important catalyzing role in enabling this new Mumbai for new India. Pichle dhai saal se ek prakar ka grahan pure Pradesh mein aur Mumbai shahar mein grahan hua tha. देवेंद्र जी की और शिंदे जी की सरकार आने के बाद प्रदेश और शहर ग्रहण से मुक्ति पा चुका है और आज तेज़ गति से विकास के ओर बढ़ रहा है। पूरे मुंबई नगर का प्रवास में हूँ। आप लोग एक विधानसभा को उठा करके आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक विधानसभा को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए और युवा मोर्चा के लिए हर विधानसभा, हर वार्ड एक समान है, हर वार्ड हमें महत्वपूर्ण है, हर विधानसभा हमें महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई विधानसभा क्षेत्र या कोई एक वार्ड किसी एक व्यक्ति का या एक परिवार का प्राइवेट जागीर नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर फैमिली। वोरली हो, बांद्रा हो, कुर्ला हो, थाने हो, महाराष्ट्र में जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र है, दैट फुल्ली बिलोंग्स टू एवरी सिंगल महाराष्ट्रियन, एवरी सिंगल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। हम हर जगह में काम करेंगे, हर जगह में सेवा का काम हम करेंगे। मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी का संदेश है, वो आम युवा तक हम हर जगह पे हम ले जाएंगे। और
कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दो तीन महीने पहले तक सरकार में कौन था? ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा दो महीने पहले तक नहीं था, जब ये लोग सत्ता से बाहर हो गए तब से अनएम्प्लॉयमेंट अचानक से शुरू हो गया महाराष्ट्र में। ये जो मैन्युफैक्चर्ड इश्यूज है और ये जो डेस्परेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी विजिबल। और इस संदर्भ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस देश के राजनीति में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवादी पॉलिटिक्स, ये तीन चीज जो है, तीनों चीज एक शाप के रूप में इस देश को और देश के राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी एंड पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट हैज ईटन द वेरी वाइटल्स ऑफ दिस कंट्रीज पॉलिटिक्स। वी एक्सपेक्टेड द शिवसेना, विच इज द लेगेसी ऑफ द ग्रेट बाला साहेब ठाकरे जी, to stay away from these three ills of Indian politics. But unfortunately, Shiv Sena's, a certain faction of Shiv Sena is practicing today the politics of appeasement, politics of opportunism, politics of corruption and politics of family dynasty. The real Shiv Sena, which is the legacy of the great Bala Saheb Thackeray ji, is with us today, and they are continuing forward the legacy of Bala Saheb Thackeray ji. It is a matter of great misfortune that Hindutva, an issue which was so dear to Bala Saheb Thackeray ji, became an agenda of opportunism for a certain faction of Shiv Sena. हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये चुनाव के एजेंडा नहीं है। राष्ट्रवाद पार्टी का और पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का अस्मिता है। We will never compromise on nationalism, which is our core ideology. This is the primary difference between a section of the Shiv Sena which went away from its core ideals and the original Shiv Sena which is with us.